नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त में मैं आया हुआ हूं कोल्ड स्टोरेजों में। यहां पर आलू को लेकर जो किसानों के बीच माहौल बना हुआ था वो अब जो है बिल्कुल अलग हटने लगा है। बंगाल के भारतीयों द्वारा खंदौली के आसपास के कोल्ड स्टोरेज से खरीदे जा रहे आलू की वजह से आलू के रेटों में यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति कट्टे की तेज़ी यहाँ पर देखी जा रही है। अगर सुपर क्वालिटी का साउथ क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी आलू की बात करें तो वो जो है 150 रुपये प्रति पैकेट टाइट हो गया है। ऐसे में किसानों को बांग्लादेश आलू निर्यात से काफ़ी उम्मीदें हैं। कई लोग कह रहे थे कि खंदौली से बांग्लादेश आलू नहीं जा रहा है, जबकि स्थिति यह है कि आज जो है सादाबाद हो या खंदौली हो या शमशाबाद हो या टूडला हो, यहाँ पर 37-97 आलू की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि अब जो है किसान हो या कोल्ड मालिक हो, कोई भी आलू अब जो है 700 रुपये से नीचे देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर कुछ सौदे जरूर हुए हैं और कुछ किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम देखेंगे। साथ ही जिन किसानों का आलू आज बिका है उसके बारे में भी आपको सीधा रूबरू किसानों को करवाएंगे, ताकि एक जेन्युइनिटी एक ऑथेंटिक रिपोर्ट आपको मिले कि खंदौली के आसपास में क्या स्थिति, क्या पोजीशन आलू की चल रही है। क्योंकि बांग्लादेश जब आलू निर्यात हो रहा है तो आलू का निर्यात होने से आलू के रेटों में चमक भी देखी जा रही है, क्योंकि 37-97 सबसे ज़्यादा पार्टी में है और 37-97 आलू की डिमांड साउथ में भी है और इधर बांग्लादेश में भी है। तो ऐसे में इसके दामों में इंक्रीजन होना स्वाभाविक बात है। यहाँ तक अगर हम पुष्टि करके देखें तो कोल्ड मालिकों द्वारा ये बताया गया है कि अगर सादाबाद देखें तो यहाँ पर जो है 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट आलू बिक रहे हैं। अगर आगरा खंदौली की बात करें तो 650 से 700-725 यानी कि 750 रुपये तक आलू जो है बंगालियों द्वारा खरीदा जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि बंगाली लोग जो है यहाँ पर आके आलू की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, साथ ही उसे जो है बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बात आती है साउथ की, तो साउथ में भी आगरा के आलू की बहुत ज़्यादा डिमांड है और डिमांड की वजह से आगरा के आलू के वहाँ पर भी अच्छे रेट अब मिलना शुरू हो गए हैं। साथ ही अगर हम बात करें आगरा के कोल्ड स्टोरेज में 37-97 आलू जो है कितना रह गया है, तो 37-97 आलू तो छोड़िए, हम पूरे आपको बता देते हैं, महज 6% का आलू अब जो है कोल्ड स्टोरेज में शेष है। और उसमें भी अगर 37-97 बढ़िया क्वालिटी का जो साउथ क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो महज 2-3% है, बाकी जो है मीडियम है और थर्ड क्लास 37-97 है। तो ऐसे में रेट सबके बढ़ रहे हैं, हल्के आलू के अभी नहीं बढ़े हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी है उसके रेटों में इंक्रीजन अच्छा खासा देखा जा रहा है, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। साथ ही अब जब रेट तेज हुए हैं तो उन्हें भी आगे और ज़्यादा 1000-1200 रुपये प्रति कट्टे की उम्मीद यहाँ से नज़र आ रही है। बांग्लादेश जो आज आलू जाना है वो 800,000 टन के आसपास जो है विभिन्न बॉर्डरों से जाना है। तो ऐसे में हो सकता है चला भी गया हो, क्योंकि 2 बजे का टाइम था और इस समय पर जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ ये समय हो रहा है 5:15 शाम के। तो ऐसे में ये बात भी है कि वहाँ पर आलू जो है चला गया हो। और साथ में इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक नई जानकारी दूंगा, जो कि बांग्ला बंधु बांग्लादेश का जो सरकारी न्यूज़ चैनल है, सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसके माध्यम से ये पुष्टि की गई है कि आलू जो है जनवरी तक अनवरत रूप से भारत से आयात किया जा सकेगा। क्योंकि बांग्लादेश में आलू की कमी है और बांग्लादेश में अगर भारत से आलू नहीं गया तो 100% प्रति केजी में आलू जो है पार कर जाएगा, ऐसे में बांग्लादेश में भुखमरी फैल जाएगी। तो ऐसे में सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो काफ़ी सराहनीय है और उससे बांग्लादेश के इस निर्णय से उत्तर प्रदेश के किसानों को, खास करके आगरा के किसानों को, खास करके पश्चिम बंगाल के किसानों को इससे बहुत बड़ा अच्छा बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि सभी किसानों को उनकी उपज का अच्छे से अच्छा लाभ मिले। इसके लिए आज जो हम आपको खंदौली के और आसपास के कोल्ड स्टोरेज से वास्तु स्थिति से आज इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, साथ ही अवगत करा रहे हैं किसानों की क्या मंशा है आलू के निर्यात को लेकर। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गंभीर सिंह। कौन से कोल्ड स्टोरेज है? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? यही किसानों को बताना चाहते हैं कि आलू का निर्यात हो रहा है, आज भी 800,000 टन आलू वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश के लिए जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो आलू में तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश निर्यात हो रहा है, पहले जब रिपोर्ट हम डालते थे तो कई लोग झूठा साबित करते थे, क्या वजह थी? पहले लोग जो है विश्वास कम करते थे, इसलिए कि कोई तेज़ी नहीं बन रही थी। अब जो हमें लगने लगा कि कुछ तेज़ी हुई है। अभी पश्चिम बंगाल में कितनी तेज़ी है? पश्चिम बंगाल में लमसम 100 रुपये से 150 रुपये तक। और अगर हम बात करें जिस कोल्ड स्टोर में आप मौजूद हैं, कौन सा कोल्ड स्टोरेज है? ओम कोल्ड स्टोर सादाबाद। अच्छा, यहाँ पर सादाबाद या खंदौली
तो यहाँ पर कितने रुपए की अब जो है तेजी आप लोगों को देखने को मिल रही है? हमारे यहाँ सादाबाद कोल्ड स्टोरों में तो 50 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। और खंदौली में? और खंदौली आगरा के कोल्डों में 100 रुपए की तेजी है इस टाइम। कौन से आलू में तेजी है? 37-97। तो एक्सपोर्ट कौन से आलू हो रहा है? एक्सपोर्ट ज़्यादातर जो है 37-97 या LR लाल आलू जो है वो हो रहा है। अच्छा, हॉलैंड भी हो रहा है? हाँ, हॉलैंड लाल में आता है वो। अच्छा, तो जिस तरीके से तेजी बन रही है जी, उससे कितना आप देख रहे हैं कि आगे कितने रुपए प्रति पैकेट आलू जो है जा सकता है? ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में 800 रुपये इकट्ठे तक बिक सकता है। 800 रुपये? जी, 800 रुपये पैकेट। चाचा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि साउथ में भी जी जी तेजी बनी है जी जी, और देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में भी सुधार हुआ है, और दिल्ली के आजादपुर मंडी का तो आप देख ही रहे हैं कि जो फड़ों पे बैलेंस थे, मुंबई में भी यही हालत थी, ख़त्म हो गया जी। अब जो है आप 800 पे टिके हुए हैं, कुछ और उम्मीद है या इस? नहीं, उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है, अभी आलू बहुत रुका हुआ है। कितने प्रतिशत होगा? बढ़िया आलू 6-7% है। अच्छा, बाकी थर्ड क्लास है? बाकी थर्ड क्लास है। तो मतलब यही 7-8% आलू अच्छा होगा जी, जी, जी। तो मतलब पूरे अगर यूपी में बात करें तो इतना ही आलू होगा? इतना ही आलू होगा। जरा फरुखाबाद की कह रहे थे कि फरुखाबाद में निकासी इतनी है, इतनी है, जब अमर उजाला आपने पढ़ा तो उसमें दिखा साफ दिखा दिया कि 92% निकासी हो गई। आलू तो वहाँ पर भी है 8%। 8% तो 92% की निकासी, बिल्कुल ये तो सही हो गया ना? ये सही हो गया। तो निकासी पहले बहुत कम चल रही थी, एक साथ निकासी हुई और उसके बाद में निर्यात हुआ और जो है डिमांड निकल कर आई। क्या कभी आपको लगा था कि नवंबर में जाके दीपावली के बाद में एकाएक आपका आलू तेज हो जाएगा? नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वाकई में ही आलू फेंकेगा, लेकिन ये निर्यात के कारण ही ऐसा लगा है कि हाँ कुछ बिकेगा। अभी जैसे कि कई लोग कह रहे थे आपके भी आलू रखे हुए हैं जी, 500-600 पैकेट रखे हुए हैं, तो ये कह रहे थे फेंकेगा फेंकेगा, अब उन लोगों के लिए क्या कुछ शब्द हैं आपके पास जो उनसे कहा से कह सकें आप? वो बेकार रहे थे कि आलू फेंकेगा ऐसे, बेको बेको, अब वो बात सब झूठी है, आलू बढ़िया फेंकेगा, बढ़िया के चांसेस जी। तो किसानों को जिनके पास में आलू रखा हुआ है उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? यही सलाह है कि धैर्य रखें, आलू बढ़िया फेंकेगा। अभी कई सासनी के भी लोग कह रहे हैं उनके पास में आलू रखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ सादाबाद में आप बता रहे हैं 50 रुपये की तेजी, खंदौली में 100 रुपये की, तो सासनी में भी तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, ये तेजी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। अजी, जनवरी तक जो निर्यात के लिए बांग्लादेश ने सरकार से बिना शर्त के लिए कहा है कि हम भारत से जनवरी तक यानी 31 जनवरी 2024 तक आलू लेते रहेंगे, मंगाते रहेंगे, क्योंकि वहाँ आलू की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, तो आपको नहीं लग रहा कि आलू जो 1000-1200 रुपये कट्टा क्रॉस करेगा? अगर ऐसे ही बढ़ा तो 1000 रुपये तक पहुँचेगा। ये सालक ही सीजन भी शुरू होने वाले हैं, सालक से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कितना परसेंटेज चला जाता होगा सालक में? जाता है, लेकिन इतना परसेंट नहीं है जितना जैसे निर्यात पर फर्क पड़ा है। आज भी 800,000 टन आलू वेस्ट बंगाल से निर्यात होके जा रहा है, उसी की खुशी है, उसी की खुशी है, पता है, निर्यात से आलू के रेट सुधरे हैं, रेट सुधरे हैं, आलू की स्थिति खराब थी। क्या नाम है जी आपका? गरोह साहब। कहाँ के रहने वाले हो? पिशावर। अच्छा, कितने आलू थे आपके? 3000 पैकेट। कितने बेच लिए? 1000। कब बेचे? शुरुआत में ही थे। अच्छा, क्या रेट मिला था शुरुआत में? वही मिले 750-600। अच्छा, इसी रेट में आलू निकाला। हाँ। अब कितने बचे हैं? अब बचे 2000। अब निकालने आए हो? हाँ जी। क्या रेट चल रहा है? 750-750। भैया 650-700 बिक रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले बीच में क्यों नहीं निकाल पाए थे आप? बीच में खेती बिचारे में लग गए, टाइम मिल पाया ना, किसान का काम है सही है। क्या कारण रहा है तेजी आने का? भैया हमारे यहाँ को आलू बांग्लादेश जा रहा, ठीक है ना, और अब यानी 150 और कुछ उछाल हुआ है, 150 रुपये कट्टा का उछाला है। हाँ, 150-200 और सवा यानी सवा बुआ सब काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आज कितने रुपए का आज सादाबाद के कोल्ड में उछाल आया है? मेरे अंदाज में करीबन 50 तो आज ही है ये, और मनी में मान लो तो 125-150 रुपया करीब। अच्छा, दो दिन में या 3 दिन में। अच्छा, तो तेज़ी बनी है? हाँ, तेज़ी यानी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। हाँ, तो क्या लग रहा है, आप बेचोगे कि फिर दोबारा से रखे रहोगे? नहीं साहब, बेचेंगे। अच्छा, अभी जो सौदे हुए हैं वो कितने रुपये कट्टे तक के हुए हैं? देखो अब फिलहाल में यानी सबसे रेगुलर जैसा आलू है जैसा रेट है, पर ज़्यादातर है 650 और 750 के रेट हो रहा है। 650 से 750 के बीच में।
मतलब कुल मिलाकर आलू बढ़ रहा है, आलू बढ़ रहा है तो आप चेहरे पे भी खुशी दिखाई दे रही है। तो बीच में कितने रुपए तक नीचे गिर गया था सर? अब वही मान लो बीच में 350 बीच में। अच्छा मतलब इतने रुपए तक गिर गया था, लेकिन आपने नहीं बेचा? नहीं, तो अब बेचने आई हो? हाँ बेचे, मैंने के पैसा स्वाद लिया, बात जो कुछ होगा तो अब यह तेजी आ गई तो अब निकालने आए। तो मतलब अच्छा रेट मिल रहा है? अब निकालेंगे, अच्छा मिलो या कुछ हो, अब परमात्मा है। मतलब पूरा ही जुआ खेला है लास्ट में आके। तो बांग्लादेश आलू निर्यात होने से आपको फ़ायदा मिला है? फायदा मिलेगा। अच्छा, किसान जो रखे बैठे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बेचें अथवा ना बेचें? अभी किसान तो अब चूतिया है, रो है, मेरा 10 रुपया बढ़ जाए, अरे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, जैसा रेट मिल रहा है जैसा यानी उन्हें कैच करना चाहिए, तरह का भाव लेना चाहिए किसान को, मध्य का भी और महंगाई का भी, सारी यानी स्वाद लेने चाहिए किसान को। तुमने तो दो ही स्वाद लिए शुरुआत में और लास्ट में, बीच में बेचा है ना, हम सर गिर गए ना काम में। अच्छा काम में गिर गए? काम में गिर गए। अच्छा अगर बीच में बेच देते 350 तो नुकसान हो जाता ऐसा ना, देखो खेती और क्यारी लंबी है तो टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा चलो आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं आज जो है। अच्छा अगर हमारा आलू बन जाता तो हमारे कोल्ड वाले चौपट पर यानी बांध देते, ठीक है ना, बांग्लादेश जा रहा है तो हमारी महंगाई बढ़ रही है, हमें यानी चेहरा पर खुशी है। अच्छा खुश हो गए आप? खुश है, देखो क्यों कि जो हमारे जो कर्जा ले रखा था या किसी का है देना है उससे हम साफ रह जाएंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हरवीर सिंह नाम है। कौन से काम के रहने वाले हो? नगला चौधरी। आलू बेचने आए थे? आलू बेचने आया। कितने कट्टे थे? 300 कट्टे थे। बेच दिए? हाँ बेच दिए। क्या रेट मिला आपको? 650 के लमसम मिला। 650 बेच दिए? हाँ बेच दिए। अच्छा तो क्या कैसा रेस्पॉन्स लगा आपको, आलू में तेजी आई कि नहीं आई? आलू में तेजी आई नहीं आई, लेकिन मेरा रेट सही बिक गया। आपका सही बिक गया, आपको दूसरे से मतलब नहीं है? अच्छा तो तेजी किस वजह से बनी? कारण यही बना के बांग्लादेश जा रहा है हमारा आलू, इस वजह से सिस्टम से कोल्ड वाले खा जाते हैं हमको। अच्छा बांग्लादेश आलू जो निर्यात हो रहा है इस वजह से सिस्टम सही बैठा हमारा, और नहीं बेचते तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता। अच्छा मतलब को कर्जा वर्जा भी था क्या? हाँ कर्जा था। तो आज आलू अच्छे रेट में बिका? अच्छे रेट में बिका। क्या क्या लग रहा है अब आलू कितने रुपए प्रति पैकेट तक बिकेगा, बिक सकता है? हमारा तो भाई साहब 650 बिका, लेकिन 1000 से ऊपर जा रहा है कट्टा का। बिक सकता है? हाँ बिक सकता है 1000 से ऊपर। अच्छा तो खुशी हुई आप लोगों को? हाँ, हमको भी खुशी मिली, हमारा भी 650 बिक गया। ताऊ जी क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? आज कोल्ड स्टोर पे आए हो आप? हाँ जी। अच्छा कौन सा कोल्ड स्टोरेज है? ओम कोल्ड स्टोर। अच्छा तो आलू का क्या माहौल चल रहा है, क्या स्थितियाँ बनी हैं? आलू की स्थिति ठीक है, संभावना है आगे बढ़ने की। आलू बढ़ने की कि आलू के दाम बढ़ने की? आलू के दाम बढ़ने की। अब तक कितने रुपए की तेजी आ चुकी है? तेजी क्या, अब 600 तक आई। अब तो 600 तक ही। 600 तक है? हाँ। अच्छा तो खंदौली में क्या कितने रुपए की तेजी है? खंदौली में 700, 750, 750। अच्छा तो खंदौली में ज़्यादा है, आपके यहाँ पर कम है? यहाँ कम है। अच्छा क्या व्यापारी लोग क्या कह रहे हैं? व्यापारी तो सेंत मेहनत को डोलते हैं ताऊ जी, तो हमें पता है ये तो आराम को हो रहे हैं, इन्हें तो बस फ्री फंडों को चाहिए। लेकिन आज जब बांग्लादेश निर्यात हो रहा है उससे अब आपको क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद ये है कि बढ़ने की संभावना है। कितने रुपए तक देख रहे हैं, जिस तरीके से आप जो है खंदौली में 750 बता रहे हैं और सादाबाद में 600 बता रहे हैं, कितने रुपए और बढ़ सकता है? और बढ़ जाएगा, 50-40 रुपए और क्या है, चल निकाल लेंगे। और अगर 1000 हो गया 1200 हो गया फिर नुकसान नहीं हुआ तो होगा ही सारा। तो फिर तो क्या आप लोग चाहते हो कि 1000 बिकना चाहिए आलू? बिकना चाहिए। अच्छा तो ये जो तेजी का माहौल बना है इसे जो है व्यापारी आप लोगों को देना नहीं चाहते क्या? नहीं। अच्छा तो मतलब अब कुछ देना दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे थे? नहीं। पहले क्या कह रहे थे ताऊ? 300 मतलब अपना फायदा करने के लिए आप लोगों को नुकसान करा रहे थे, गुमराह कर रहे थे आप लोगों को, तो अब तो नहीं है। तो मतलब आपको तेजी मिल सकती है? तो आज रेट पे जो 600 का आप बता रहे हैं बेचेंगे अथवा अभी रुकेंगे? अभी नहीं बेचेंगे, जब रेट बढ़ रहा है तो फिर बेचेंगे आराम से, फिर तो बेचेंगे। तो आलू कितने परसेंटेज रह गया होगा अब कोल्ड स्टोरेजों में? यही होगा 6-7%। बस से अब आलू खत्म हुआ?
अगर ये शुरुआत में निर्यात शुरुआत में हो जाता तो सभी किसानों को मिलते हो ना मिलते दाम? बिल्कुल मिलता हूँ। अब तो अब कितने किसानों को मिल जाएगा? अब क्या मिलेगा, कितना मिल जाएगा? काट रहे थे तो आप लोग विरोध नहीं करते थे इनका? विरोध कौन करने वाला है, मतलब नुकसान हो गया। अभी बीच में कितने रुपए तक आलू पहुंच गया था? 600-650। अच्छा, और इससे पहले जो अभी बता रहे थे आप जो हैं कि 300 बीच में 300-350 भाड़े वाड़े बिक्री थी, ऐसा बिका था। नहीं अभी समझ में ये नहीं आता है कि मेहनत आप लोग करते हैं, फ़ायदा ये क्यों उठाते हैं? फ़ायदा इसलिए उठाते हैं, किसानों में एकता है। किसानों में एकता नहीं है? नहीं है किसानों में। किसान में एकता हो जाए तो दलाली खत्म हो जाए। तो ये सारा फंडा कहीं दलाली का तो नहीं है? फंडा दलाली का है। तो मतलब आप किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी ये व्यापारी कर रहे हैं? व्यापारी मतलब आप लोग जब खेतों में ये पानी लगाने आप लोग जाते हैं दिन और रात एक वो करते हैं और ये मुफ्त का लेने डुलते हैं उसका वो है ना क्या कहते फायदा उसको मिलता है? फायदा मतलब फायदा तो आप लोगों को मिलना चाहिए ना? आप लोगों को नहीं मिलता है? अब जब निर्यात हो रहा है तो फायदा कोल्ड मालिकों को मिला या आप लोगों को? किसी को नहीं मिला, दलाल के अलावा। दलाल ही मार गए 50-100 रुपए तक की है। सभी आलू पे के केवल 37-97 रुपए? 37-97। हाइब्रिड पे नहीं है? हाइब्रिड पे नहीं। गुल्ले पे कितने की तेजी है? गुल्ले वही है। कितनी है गुल्ले पे? 50-100 तक। 50-100 तक 37-97 गुल्ला या सभी? 37-97। मतलब तेजी है तो बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को? अच्छा।